सर ये बताइए, जो रोजगार कार्यालय भिवानी के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन कब किया जा रहा है और कैसे कैसे उसमें क्या क्या लोगों को आप सुविधाएं देने वाले हैं? सर, रोजगार कार्यालय के द्वारा जो रोजगार मेला है, इसका आयोजन 7 अगस्त 2023 को, जो कि सोमवार का दिन है, उस दिन जिला रोजगार कार्यालय में ही किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास विभिन्न तरह के एम्प्लॉयर्स आएंगे, जैसे कि G4S सिक्योरिटी, श्रीराम इंश्योरेंस और भी कोटक महिंद्रा की तरफ से। तो यहाँ पर आप जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इंटेंडेड कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ आकर सुबह 10 बजे के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर इंटरव्यू दे सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उसमें किस किस प्रकार की नौकरियां होंगी और कैसे आप कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके बच्चों को रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं? सर, उसमें मेनली सिक्योरिटी के लिए एक कंपनी है जिसको G4S बोल रहे हैं, G4S नाम है जिसका। उसके बाद श्रीराम इंश्योरेंस से है। इसमें खास तौर पे ये है कि जो लोग सिक्योरिटी गार्ड की, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र या फिर अटेंडेंट की जॉब है या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब है, इनसे रिलेटेड जो इंटेंडेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ आ सकते हैं। कुछ मार्केटिंग की जॉब्स हैं, और अभी हम धीरे धीरे हमारी एम्प्लॉयर लिस्ट को भी अपडेट कर रहे हैं कि मंडे तक शायद और भी कुछ 2-4 एम्प्लॉयर हमारे साथ और जुड़ जाएंगे। फिलहाल हमारे पास 5 एम्प्लॉयर हैं और वो रिसेंट टाइम्स में जॉब देने के लिए तैयार हैं। तो जैसे जैसे कैंडिडेट्स भी या चाहें तो हमें सोमवार से पहले भी हम एक डाटा बता सकते हैं, ताकि हम भी ये समझ पाएँ कि क्या हमें और एम्प्लॉयर्स बुलाने की ज़रूरत है, या फिर जो एम्प्लॉयर्स आल्सो कैन कॉन्टेक्ट अस, जिन्हें यहाँ आना है मंडे तक सुबह 10 बजे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम हमारी जो व्यवस्था है वो करवा सकें। मैं आप सबको ये भी बता देना चाहता हूँ कि रोजगार मेला रोजगार विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। सरकार इसके लिए आपसे कोई पैसे नहीं लेती, और साथ में जो एम्प्लॉयर जो हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, हम उनकी पूरी जानकारी रखते हैं, और साथ में जो कैंडिडेट्स के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की जांच करने के बाद ही हम इंटरव्यू तक उन्हें बिठाते हैं। तो इसमें जो इस चीज़ की संभावना कम रहती है कि कोई फ्रॉड या जालसाजी होगी, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई ऐसा होता है तो उसके लिए हम जो है ध्यान रखते हैं इस चीज़ का भी, कि एम्प्लॉयर को हम जो उसकी आईडी है उस हिसाब से पहले एक बार चेक इन कर लें उसका भी। जी, और हाँ जी, ये बताइए सर, किस माध्यम से जैसे इंटरव्यू होगा और किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन बच्चों को क्या क्या लेकर के आना है? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन तो आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, उसके बाद आपने जो भी कुछ डिप्लोमा या कुछ भी स्किल डेवलप की है, उसके अलावा जो है जैसे सिक्योरिटी के जॉब्स के लिए उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था कि हाइट जो है वो प्रीफर करेंगे 170 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। उसके बाद जितनी भी आपकी एजुकेशन है वो आप लेकर आएँ, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते टाइम भी यूज़ करते हैं, आप उनको सबको ले आएँ, साथ में अपनी फ़ोटो भी ले आएँ। अगर मान लीजिए हाथों हाथ आपको हायर किया जा रहा है, तो कोई फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ जाए, फिर उसके बाद आपका आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर लेकर आएँ, जो भी आधार कार्ड है या वो भी है। और मैं जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नॉट इवन ओनली इन द केस ऑफ जॉब, आप यहाँ आए इंटरव्यू दें, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग तरह का निखार आता है कि आप एक इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब ले रहे हैं या ज्वाइन ही कर रहे हैं, लेकिन आप रोज़गार कार्यालय में आएंगे तो आपको वेरियस स्कीम्स का पता चलेगा जो हरियाणा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोगों के लिए चला रही है। साथ ही आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे जब आप इंटरव्यू को फेस करेंगे। तो इस सिनेरियो में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, जो भी है आप कार्यालय में आएँ। अभी आज जैसे फ्राइडे है, तो सैटरडे को कल आप आ सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, या फिर मंडे तक जो है आप, मैं नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ आप अपनी अटेंडेंस दर्ज करवा सकते हैं आने से पहले भी। और अगर आप पहले बता नहीं पा रहे हैं और एंड टाइम पर भी आ रहे हैं, तो आप सुबह 10 बजे कार्यालय में भी आ सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आप जो है रोज़गार मेले में भाग ले सकते हैं। जी, थैंक यू सर।